नमस्कार, मैं परीक्षित हाड़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की जो समस्या है भारत में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो हम जानेंगे कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है और ये किस प्रकार से दर ज्ञात की जाती है, वर्तमान समय में बेरोजगारी की भारत में स्थिति क्या है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है। इसके अलावा हम बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे जिसमें ऐच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक चक्रीय मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, छिपी और शिक्षित बेरोजगारी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बेरोजगारी की समस्या से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं जैसे मानवीय संसाधनों को जो हानि पहुँचती है, जो निर्धनता बढ़ती है, चोरी डकैती बेईमानी ऐसे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अपराधों को जन्म मिलता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, ये सब जितने भी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं बेरोजगारी की समस्या के, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब बेरोजगारी के जो परिभाषा है सबसे पहले हम उस पर आते हैं। तो बेरोजगारी की परिभाषा, अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। यानी व्यक्ति तो जॉब के लिए तैयार है, काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। किसी देश में बेरोजगारी की अवस्था वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं तथा वे वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार भी हैं परंतु उन्हें कई कारणों से काम नहीं मिल रहा है। अतएव बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जिनको ये तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहला कि वो काम करने के योग्य होने चाहिए। जैसे अगर हम भारत में बात करें, यहाँ की जो 135 करोड़ की जनसंख्या की बात करें तो उसमें लगभग 60 करोड़ के आसपास जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है 25 से 30 की आयु की, वो रोज़गार चाहती है। लेकिन क्या जो 70 से ऊपर वर्ष के ऊपर के व्यक्ति हैं वो भी रोज़गार चाहते हैं? नहीं, उन्हें रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। और जो क्या छोटे बच्चे हैं 10 साल या 14 साल से कम एज की उम्र के, कम एज के, तो क्या उन्हें भी रोज़गार की आवश्यकता है? नहीं, वो व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं आते हैं। काम करने के योग्य जो व्यक्ति हैं उन्हें ही हम बेरोजगारी की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। काम करने का इच्छुक भी वो व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है मैच्योर है, यंग है और वो काम करने का इच्छुक ही नहीं है तो हम उसे बेरोजगारी के डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि वर्तमान मजदूरी पर क्या वो व्यक्ति काम करने को तैयार है। कोई व्यक्ति तभी काम करने को तैयार होगा जब उसे उतना ही वेतन दिया जाए जितना वो चाहता है, नहीं तो वो काम करने को तैयार ही नहीं होगा। फिर उसको बेरोजगारी की परिभाषा में हम शामिल करें या नहीं करें यह हम देखेंगे। तो बेरोजगारी की जो परिभाषा है वो कहीं विद्वान अर्थशास्त्रियों द्वारा भी दी गई है, जिसमें प्रोफेसर पिगू ने परिभाषा दी कि एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। तो ये प्रोफेसर पिगू की परिभाषा थी कि व्यक्ति के पास रोजगार का कोई साधन नहीं हो लेकिन वो रोजगार प्राप्त करना चाहे। इसी प्रकार बायरस तथा स्टोन ने भी परिभाषा दी कि बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं तथा अपनी योग्यता वाले लोगों को दी जाने वाली वर्तमान मजदूरी की दर को इच्छापूर्वक स्वीकार भी करते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है। राफिन तथा ग्रेगोरी के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति वो है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है और जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार इन तीनों विद्वान अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषा दी उससे स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने का तो इच्छुक है लेकिन उसे उसके अनुसार योग्यता अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है तो
तो फिर वो बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उन व्यक्तियों को जो काम करने की योग्य नहीं है, जैसे बीमार व्यक्ति, जैसे बूढ़े और बच्चे, विद्यार्थी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी बेरोजगारी में, बेरोजगारी की दर में शामिल नहीं होंगे, ये हमने पहले ही बात कर ली है। इसी प्रकार जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते, उनकी गणना भी हम बेरोजगारों में नहीं करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति सक्षम है, काम उसे करना चाहिए, पूरी तरह से योग्य है, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो हम उसे बेरोजगारी की दर में शामिल क्यों करें? बेरोजगारी के संबंध की उपरोक्त धारणा श्रम शक्ति धारणा कहलाती है। इस धारणा में श्रमिक को व्यक्तिगत इकाई के रूप में हम मानते हैं और रोजगार को काम करने के घंटों के अनुसार मापते हैं। तो बेरोजगारी की दर क्या है? बेरोजगारी की दर वह दर है जिसका अनुमान बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम शक्ति से भाग देकर लगाया जाता है। तो बेरोजगारी की जब हम दर ज्ञात करेंगे, तो बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का टोटल लेंगे, और जो श्रम शक्ति टोटल उपलब्ध है किसी भी देश में, उससे भाग देंगे, और 100 से गुणा करने पर ये दर हम ज्ञात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बेरोजगारी की दर में वर्तमान समय में क्या दशा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेरोजगारी की दर के जो दर है, उसे कौन जारी करता है? भारत सरकार का NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जारी करता है, लेकिन ये हर समय इसे जारी नहीं करता है, एक निश्चित अवधि पर ही इसे जारी करता है। लेकिन 2020 में जो बेरोजगारी के कुछ आंकड़े दिए गए, वो NSSO द्वारा नहीं, बल्कि एक संस्था है, एक थिंक टैंक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किए गए हैं। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं, और सरकार ने ये जारी नहीं किया, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये CMIE है, वो हर हफ्ते ही इस प्रकार से बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करता है, और इसने जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्हें हम समझते हैं कि 2020 में जब कोरोना काल रहा, उस समय बेरोजगारी की क्या स्थिति रही। तो 2020 जनवरी माह में ये दर 7.22% थी, फरवरी में ये दर 7.76% रही, मार्च के महीने में अंत में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, तो 8.75% की दर, और अप्रैल के महीने में देखिए इस दर में किस तरीके से वृद्धि हुई है, और ये दर 23.52% पर पहुंच गई, और फिर मई के महीने में ये 23.48% पर पहुंच गई। इसके आगे की स्थिति हम देखते हैं CMIE के द्वारा ही जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें कि मार्च के महीने में 8.75% बेरोजगारी की दर थी, जो कि मई तक हम देख चुके थे, जून में 10.99% पर ये वापस आ गई, और जुलाई में इसकी दर 7.43% पर आ गई। इसका मतलब ये कि जो बीच के महीने रहे जिसमें लॉकडाउन लगा, उसमें ये दर डबल डिजिट में चली गई थी, 23% के आसपास, 24% के आसपास चली गई थी, लेकिन ये दर वापस उतनी ही आ गई जितनी थी। तो हमारे मन में एक संशय उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेरोजगारी की दर वापस उतनी ही, बल्कि उससे भी कम आ गई हो, जबकि इतनी भयंकर स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, जहाँ पर हजारों, लाखों, यहाँ तक कि एक आंकड़े के मुताबिक 2 करोड़ व्यक्तियों का रोजगार छिन गया है इन 5-6 महीनों में। तो ये आंकड़े किस हिसाब से आए हैं, ये हम देखते हैं। तो CMIE ने जो ये आंकड़े दिए हैं, इसमें आपको ध्यान होगा कि जो लोग
एमएसएमई में या फिर ऐसी असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते थे जिनकी गणना नहीं की जाती थी, वो लोग पलायन करके, जिसे अर्बन माइग्रेंट की श्रेणी में हमने रखा, अपने गांव में जब लौटे तो वहाँ पर उन्होंने कृषि से संबंधित जो कार्य किए और मनरेगा जैसी स्कीम में जो कार्य किए, उससे एम्प्लॉयमेंट में 65% का जंप आ गया। अकेले मनरेगा की जब हम बात करें तो 65% की वृद्धि मनरेगा में देखी गई इस समय अवधि में। तो यहाँ पता चल रहा है कि ये आंकड़े क्यों, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े अभी भी 7.43% को दर्शा रहे हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके हैं कहाँ पर, मनरेगा जैसे स्कीम में। अब मनरेगा में सरकार ने जब बजट जारी किया था तो 61,000 करोड़ रुपए दिए थे। ये हमें बजट जब हम पढ़ें तो उसमें पता लग जाएगा कि भारत सरकार द्वारा 61,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। फिर जब ये आर्थिक पैकेज आया तो मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड जारी किया गया और मजदूरी को भी बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया मनरेगा के। तो इस प्रकार से मनरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा उससे इस दर में कमी आई, ऐसा कुछ व्यक्तियों, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। बेरोजगारी के प्रकार की हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो ऐच्छिक बेरोजगारी का है, जब श्रमिक मजदूरी को वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार न हो अथवा काम होने पर भी अपनी इच्छा से काम न करना चाहे, तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय ऐच्छिक बेरोजगारी को शामिल हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा से ही काम नहीं करना चाहता है। अब हम आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी पर, जिसके फिर आगे चल के बहुत सारे प्रकार हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। इसे हम खुली बेरोजगारी भी कह सकते हैं। तो अनैच्छिक बेरोजगारी ही वास्तव में बेरोजगारी का एक मुख्य प्रकार है, जिसे हम आगे और कई भागों में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम घर्षात्मक बेरोजगारी पर। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? ये वो बेरोजगारी है जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी को बदलने से होता है। श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं और ये अस्थायी बेरोजगारी घर्षात्मक बेरोजगारी कहलाती है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में कार्य कर रहा है और वो वहां से जॉब छोड़कर किसी अन्य जगह रोजगार की तलाश में जाता है, तो वो जिस संस्था में कार्य को छोड़कर गया है और फिर वो जो नई संस्था में जाकर के कार्य को ढूंढेगा और वहाँ पे रोजगार में सम्मिलित होगा, तो ये जो बीच की अवधि है जब वो अनएम्प्लॉयमेंट में रहा है, बेरोजगारी में रहा है, तो वो घर्षात्मक बेरोजगारी में ही हम उसे काउंट करेंगे। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। ये बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी के कारण, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी नहीं होने के कारण भी, और बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति, अच्छे रोजगार की तलाश आदि के कारण हो सकती है। तो इतने सारे कारण हमने देखे हैं घर्षात्मक बेरोजगारी के, कि श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसर के विषय में जानकारी ही न हो, बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, और लोग रोजगार बदलने की प्रवृत्ति में जब सम्मिलित हो, तो ये इस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है और ये बेरोजगारी अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। अगली जो बेरोजगारी का प्रकार है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। इससे पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि विकसित देशों में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो आपको जवाब देना है चक्रीय बेरोजगारी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और आपसे पूछा जाए कि विकासशील देशों में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रकार देखने को मिलता है, तो आपको जवाब देना चाहिए संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में हालांकि सभी प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, किसी एक प्रकार की बेरोजगारी नहीं, लेकिन फिर भी आपको कभी पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा
जो बेरोजगारी का प्रकार कौन सा पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है वही विकासशील वाला। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रकार ज़्यादा हमारे देश में देखा गया है, और ये क्यों होती है, ये अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने के कारण ये बेरोजगारी होती है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है, और इस बेरोजगारी में, उस स्थिति में हम उत्पन्न मानते हैं इस बेरोजगारी को, जब उत्पादन के अन्य साधन जैसे पूंजी, भूमि, श्रम आदि की कमी होती है। श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं, परंतु उनके पास कोई निपुणता नहीं होती, इसलिए जिस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता है वो मिल ही नहीं पाते। देश का सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ होता है, इसलिए श्रमिकों की पूर्ति की तुलना में रोजगार की मात्रा कम होती है। और जब देश की उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन होता है, तब भी संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जा सकती है। कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं। भारत जैसे अल्प विकसित कहना तो नहीं चाहिए, विकासशील देश में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है, सबसे मेन बात इसकी यह है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और जो चक्रीय बेरोजगारी हमने विकसित देशों के लिए बात करी थी, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, अल्पकाल के लिए होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण देश की अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित ढांचा ही होता है। अब हम अगली जो बेरोजगारी का प्रकार है, चक्रीय बेरोजगारी, जो विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसे पढ़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जो आर्थिक चक्र होते हैं, मंदी, तेजी, इस प्रकार के आर्थिक चक्रों की वजह से जो बेरोजगारी होती है, जो लोगों का रोजगार छिनता है, वो चक्रीय बेरोजगारी में आता है। तो मंदी की अवस्था में ही ये बेरोजगारी सामान्यतः उत्पन्न होती है। इस बेरोजगारी में, मंदी की स्थिति में, जो देश की मांग है वो कम हो जाती है, और व्यापारियों के पास एक ऐसे माल का स्टॉक इकट्ठा हो जाता है जो बिक नहीं पाता है। इस प्रकार जो उत्पादन है उसकी मात्रा में तो कमी होती ही है, और रोजगार का स्तर भी कम हो जाता है, तो बेरोजगारी इससे बढ़ जाती है। ये चक्रीय बेरोजगारी का प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए, एक चित्र है जिसमें खेतों में कुछ कृषक काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सी बेरोजगारी होगी। मौसमी बेरोजगारी। जी हाँ, मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो इस कारण उत्पन्न होती है कि कुछ व्यवसायों में श्रमिक की मांग वर्ष के कुछ समय के लिए ही होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग वर्ष के कुछ विशेष मौसम में बेरोजगार रहते हैं, परंतु बाकी समय में उन्हें रोजगार मिलता रहता है। अधिकतर कृषि क्षेत्र में ही इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक फसल उत्पन्न होती है कई कारणों से, इसलिए कृषक वर्ष के बाकी महीनों में बेरोजगार होते हैं। तो वैसे तो फसल तीन भी ली जा सकती है, दो फसल भी ली जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर भारत में एक ही फसल जब ली जाती है, तो बाकी के समय में यहाँ पर किसान बेरोजगारी का सामना करते हैं। ये मौसमी बेरोजगारी है। इसी प्रकार कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जैसे चीनी उद्योग है, बर्फ़ बनाने के कारखाने को तो हम इसमें खैर शामिल नहीं करेंगे, चीनी के जो कारखाने हैं उसमें भी मौसमी बेरोजगारी होती है। बर्फ़ बनाने के कारखाने और इस प्रकार के जो भी उद्योग हैं, जो मौसमी उद्योग हैं, उनमें जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें मौसमी मजदूरी का सामना करना पड़ता है। अगली जो बेरोजगारी का प्रकार है, वो तकनीकी बेरोजगारी है। आपने सुना होगा कि मशीनों के आ जाने से, नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से, जो मैनुअल जो तरीका होता है प्रोडक्शन का या सर्विस देने का, वो अब धीरे धीरे व्यक्तियों के रोजगार को छीन रहा है, ये तकनीक, ये मशीनें, तो वो ही बेरोजगारी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तकनीकी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक तकनीकी पूंजी प्रधान है, मानव प्रधान नहीं है, बल्कि पूंजी प्रधान अभी की तकनीक है।
इसके फलस्वरूप श्रम का स्थान अब मशीनें लेती जा रही है। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके कारण जो प्रक्रिया है वो और तेज हो गई है। तकनीकी बेरोजगारी की तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी कई श्रमिकों का रोजगार छिन जाता है, उनकी छटनी कर दी जाती है और इस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ती है। तो जैसे जैसे कोई भी देश विकसित होता जाता है, वहाँ पे तकनीक का ज़्यादा सहारा लिया जाता है, मशीनों का ज़्यादा सहारा लिया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की बेरोजगारी आसानी से देखी जा सकती है। अब हम जो अगली बेरोजगारी है उसकी बात करते हैं, खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता है, उसे थोड़ा बहुत काम भी नहीं मिलता है। नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भी काम उसे नहीं मिल पा रहा है और काम के अभाव में श्रमिक पूरी तरह से बेकार बैठा रहता है। इस प्रकार की बेरोजगारी ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी के रूप में ये बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। आपसे कभी पूछा जाए प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको जवाब देना है गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लो कोई खेत है जहाँ पर दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति मिलकर ही किसी फसल का उत्पादन कर सकते हैं, वहाँ पर उसी पूरे परिवार के सदस्य वहाँ पर काम करते हैं, 8-10 सदस्य मिलकर अगर वही फसल पैदा करते हैं जो दो तीन व्यक्ति भी मिलकर कर सकते थे, तो बाकी के जो व्यक्तियों का कार्य है वो अनावश्यक है और यहाँ पर वो छिपे हुए तौर पर बेरोजगार हैं। तो अर्थशास्त्र में छिपी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। ये कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है छिपी बेरोजगारी का प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग जॉन रॉबिन्सन ने किया था। छिपी बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें श्रमिक अपनी योग्यता से कम उत्पादक कार्यों में काम करना पड़ता है। छिपी बेरोजगारी के बारे में श्रीमती रॉबिन्सन ने जो परिभाषा दी है उसे विकसित देशों में लागू किया जाता है। अल्प विकसित देशों में छिपी बेरोजगारी का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें जितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं उनसे कम ही आवश्यकता होती है। अर्थात जब किसी काम पर जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हों, तो इन लोगों की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम आते हैं शिक्षित बेरोजगारी, और आजकल इस बेरोजगारी का सामना उन व्यक्तियों को करना पड़ रहा है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिन्होंने MBA, इंजीनियरिंग, PhD जैसी डिग्रियां हासिल कर रखी है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। भारत जैसे देश में उसका एक सीधा सा कारण है कि कोई भी व्यक्ति को सबसे पहले कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए, एक तकनीकी तरीका सीखना चाहिए जिससे वो नौकरी नहीं मिलने पर अपना स्वयं का रोजगार चला सके या फिर वो किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर सके। अगर आज आप किसी व्यक्ति से पूछो कि तू मिस्त्री का काम करेगा तो वो मना कर देगा भारत में, या फिर किसी भी छोटे स्तर का कार्य करने से वो व्यक्ति मना कर देगा। कारण यही है कि उसके पास बड़ी डिग्रियां हैं और वो किसी भी छोटे काम को करने में शर्म महसूस करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी भी काम को अपनी योग्यता से बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते उस काम में पूरी शिद्दत के साथ लगा जाए। तो ये शिक्षित बेरोजगारी के बारे में पढ़ने से पहले हम बिल गेट्स की एक कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है, उसे हम पढ़ते हैं। आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल, नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्या कह रहे हैं बिल गेट्स? बिल गेट्स कह रहे हैं कि
मैं कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी क्लास में था जब फेल हो गया और मेरा दोस्त पास हो गया। अब स्थिति यह है कि मैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ, जबकि वह व्यक्ति वहाँ पर एक कर्मचारी है, इंजीनियर है। कहने का मतलब यह है कि आपकी डिग्रियाँ कुछ काम नहीं आती है, आपकी योग्यता ही वास्तव में आपके लिए काम आती है। अगर आप योग्य हैं, आप अपनी स्किल का 100% यूज करना जानते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो औद्योगिक प्रक्रिया हो, बेहतर कर सकते हैं। शैक्षिक बेरोजगारी में हम पढ़ते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी से अभिप्राय उन लोगों की बेरोजगारी से है जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। कुछ शिक्षित लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इसके विपरीत कुछ शिक्षित व्यक्तियों को काम तो मिल जाता है, लेकिन उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं मिलता है, फिर उनकी क्षमता से कम भी वो काम हो सकता है। तो इन व्यक्तियों को हम अल्प बेरोजगार की श्रेणी में या शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेरोजगारी के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन्हें। तो बेरोजगारी के समस्या से क्या-क्या प्रभाव एक भारत जैसे विकासशील देश में देखे जा सकते हैं, तो इन प्रभावों में हम सबसे पहला जो प्रभाव है वो है मानवीय साधनों की हानि का प्रभाव। तो बेरोजगारी से देश में जो मानवीय संसाधन होते हैं उनकी हानि होती है। देश की जो श्रम शक्ति है उनका समय रोजगार के अभाव में व्यर्थ चला जाता है, उसका कोई रचनात्मक लाभ नहीं मिल पाता है। मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग अगर किसी भी देश में किया जाए तो आर्थिक विकास की दर में निश्चित रूप से वृद्धि होती ही है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ व्यक्तियों का खाली बैठना पड़ता है, कुछ व्यक्तियों को जिनके कार्य का एक रचनात्मक रूप से हम प्रयोग में ले सकते थे और हमारी आर्थिक प्रक्रिया में, आर्थिक उन्नति में उनका भी योगदान ले सकते थे। दूसरा जो प्रभाव है वो है निर्धनता में वृद्धि का। अनएम्प्लॉयमेंट से निर्धनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो फिर लोगों में निर्धनता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ वो कर्जदार भी बन सकते हैं। सामाजिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो लोगों के पास जब रोजगार नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा जब वो बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुएबाजी, चोरी, डकैती आदि में सम्मिलित हो जाएंगे। यही नहीं, आजकल ऐसा समय भी आ गया है जब व्यक्ति योग्यता होने पर भी जब उसे रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेता है जो कि उसे नहीं उठाने चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये एक सामाजिक समस्या है हमारे देश में जिसका सामना करना पड़ता है बेरोजगारी के समय। राजनीतिक अस्थिरता भी इसका एक प्रभाव हो सकता है। जब हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वो तोड़फोड़ या अन्य आतंकवादी कार्य कर सकते हैं, और जो प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके होते हैं उनका उल्लंघन करते हुए वो राजनीतिक अस्थिरता को पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी देश में बेरोजगारी की दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। औद्योगिक संघर्ष भी इसके प्रभाव में एक है। संगठनात्मक बेरोजगारी तथा इसी प्रकार की अन्य बेरोजगारियों के कारण औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होता है। इसका श्रमिकों व मालिकों के संबंध पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक झगड़ों के कारण बेरोजगारी कम होने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। देश में वस्तुओं का उत्पादन भी कम होने लगता है और जाहिर बात है
की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। और जो सबसे आखिर में हम बात करते हैं इसके प्रभाव की, तो वो है मजदूरों का शोषण। एक समय ऐसा आ जाता है जब बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिक कम वेतन पर भी कार्य करने को राजी हो जाते हैं, और यही वो समय होता है जब श्रमिकों का शोषण होने लगता है और उन्हें कम मजदूरी दी जाती है और उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, और इससे श्रमिकों की जो कार्यकुशलता है उस पर बुरा असर पड़ता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी आर्थिक शोषण, सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है। प्रत्येक सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह बेरोजगारों को कम करके अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाए। प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी हमने पढ़ ली थी, ये पढ़ चुके हैं हम। प्रचंड बेरोजगारी ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम वापस से देख लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में मान लो 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं, और यदि इसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाए तो भी उन 100 जूतों का निर्माण हो सकता है, तो हटाए गए 3 लोगों को हम प्रचंड या छिपे हुए बेरोजगार मानेंगे। भारत में कृषि क्षेत्र में ऐसी बेरोजगारी देखी जाती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और आखिर में एक बिल गेट्स का फिर से एक स्टेटमेंट है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी ही गलती है। ये थी बेरोजगारी पर आज की हमारी क्लास। नमस्कार।